Now, I shall be talking about the management of cancers. I have already talked about cancer prevention, early detection of cancer, and now I am talking about the management. मैनेजमेंट में हमें ये देखना है कुछ तरीके हैं, जैसे सर्जरी, शल्य चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, पार्ट को रिमूव कर देना. नेक्स्ट इज़ रेडिएशन थेरेपी, हम रेडिएशन देते हैं उस पार्ट को. नेक्स्ट इज़ जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं, केमिकल्स देते हैं, इंट्रावीनस या ओरल केमिकल्स देते हैं. और फिर है टारगेटेड थेरेपी. जो हम कैंसर के बारे में जानते थे पहले, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले, उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है कैंसर के प्रिवेंशन में भी और कैंसर के ट्रीटमेंट में. अभी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये देखा गया है कि इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट में तरक्की हुई है कि उसमें हम ये कैंसर सेल के अंदर घुस जाते हैं कि ये कैंसर सेल आया कहाँ से है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस करते हैं और मॉलिकुलर डायग्नोसिस के हिसाब से टारगेटेड थेरेपी देते हैं. सो मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी है. टारगेटेड थेरेपी उसे कहते हैं जो हम, जैसे हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, कॉमनेस्ट कैंसर इंडिया में, तो उसमें अगर हार्मोन पॉजिटिव है तो हम हार्मोन्स की गोलियां दे देते हैं, जो कि हम 5 साल या 10 साल तक, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट स्टेज ऑफ द डिजीज़, तो उस पर हम देते हैं. तो आजकल मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स आने से टारगेटेड थेरेपी का देना ज़्यादा संभव हो गया है. तो पहले कैंसर को ये गिना जाता था कि कैंसर में कीमो और रेडिएशन और सर्जरी की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब हमने कैंसर को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बराबर क्रॉनिक डिजीज़ बना दिया है. और ये इसलिए बना दिया है कि आप जैसे डायबिटीज़ में गोली खाते हैं और अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ही कैंसर में भी गोली खाएं और अपना काम करते रहें. और इसका ब्लड से भी अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है कुछ कैंसर्स में.